सच में हमारा अतीत बीत गया, सच में हम सबका अतीत बीत गया, क्योंकि हम सबको एक अजीज मिल गया, एक वो रास्ता मिल गया जिस पे हम, वो यीशु मसीह ने हमको वो रास्ता दिखाया, क्योंकि वो ही एक मार्ग सच्चा है, उसके सिवा और कोई सच्चा मार्ग नहीं है। वो सियोन से भी महान है, उसका वचन कहता है वचन सीता 135 उसका 1-5 तक, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन में के आंगनों में खड़े रहते हो, यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा वाला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि वो मनोहर है। यहाँ ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपने निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, उसने हम सभी के लिए अपने ऊपर कोड़ों की मार खा दी, उस कोड़ों के लिए हम सूली पर जानते, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए उस सूली पर अपने आप को दे दिया। वो सच में महान है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। Yeah.
सबसे महान है, उस वो सबसे महान है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो उदयाचल से लेकर अस्ताचल के साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसके सामने हम अपने हाथों को उठाएं, उस परमेश्वर को प्रशंसा दें, क्योंकि वो ही परमेश्वर जो प्रशंसा के योग्य है, वही परमेश्वर जो आराधना के योग्य है, वही परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है। अपने मुंह को खोल के पुकारे, अपने मुंह को खोल के पुकारे, अपने हृदय की गहराई से पुकारे, वो परमेश्वर है।
हाथों को परमेश्वर की मुझ पर इस बात की घोषणा को करेंगे आज की सुबह। विश्वास योग्यता क्या ये सच नहीं है? परमेश्वर की विश्वास योग्यता। एक बार फिर से इस लाइन को हम गाएंगे। लेकर हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। ये जो गीत हमने गाया है, क्या ये हमारे जीवन की सच्चाई नहीं है? क्या परमेश्वर धन्यवाद के योग्य नहीं है आज की सुबह कि उसकी करुणा और भलाई को हम अपने जीवनों में देखते हैं? हर दिन प्रति क्षण वो उसकी करुणा और भलाई हमारे जीवनों में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो सारे धन्यवाद के योग्य है, वो सारी स्तुति के योग्य है। हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शंदरो बोरी खराबा, ओ रल्ला बा शिखेरे बेबे शंदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए हमारे जीवनों में। प्रभु, कई बार हम विश्वास योग्य नहीं ठहरे, लेकिन आप हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य ठहरे हैं। आप हमेशा, आपका करुणा हमारे संग बना रहा। आप प्रभु, आपकी भलाई हमेशा हमारे संग चली। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये ताली बजाकर उसका धन्यवाद दें, क्योंकि आदर के योग्य आज की सुबह वही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शंदरो बोरी खराबा, रिल्ला लबा शिखे रे बेबे शंदरो बोरी खराबा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिखा बाबा बा शंदरो बोरी खराबा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारे जीवनों के लिए, इन जीवन की सांसों के लिए जो आज की सुबह हम लेते हैं, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हो रिखा बाबा बा शिखे रे बेबे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया प्रभु जी, आज की सुबह हम आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो आप ही का है, लेकिन धन्यवाद की भेंट हम आपकी ओर चढ़ाते हैं प्रभु। धन्यवाद की एक भेंट, हमारी ये तालियां, हमारे ये गीत प्रभु किसी और के लिए नहीं, ये आपके लिए है प्रभु, क्योंकि आप ही प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा हैं। और जिस प्रकार हमने वो गीत भी गाया प्रभु, हर घुटना झुक जाएगा, हर जुबा इस बात का अंगीकार करेगी कि तू ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह हमें प्रार्थना करना है। आप में से कई हैं जो हो सकता है शारीरिक रूप से बीमार हैं, कई हैं जिनको वो आई फ्लू है। प्रार्थना करना है कि प्रभु आप अपने लोगों को छुई है,
चंगा करिए प्रभु। हमें प्रार्थना करना है खास तौर से उन पासवानों के लिए, विश्वासियों के लिए जो इस समय भी जेल में है मेरे प्रियो। कईयों की बेल हो चुकी है लेकिन बाकी प्रक्रियाएं बॉन्ड्स हैं जो देने हैं, लेकिन उसकी वजह से वो वहीं पर वो रुका हुआ है। हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से इन बातों को करके दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इन बातों के लिए और परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं जब वो मुझसे मांगेंगे, हालेलुया, हालेलुया, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जी आज की सुबह हम आपके चरणों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं हमें से उन सभी के लिए प्रभु जिन्हें आपकी शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता। कई हैं प्रभु जो वायरल वो बुखार से होकर के निकलते हैं, कई हैं जिनको आई फ्लू है प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त आप उन्हें छूइए प्रभु, और होने दे प्रभु एक नए बल, एक नई शक्ति को वो यीशु के नाम में पाने पाए प्रभु, और प्रभु अपनी चंगाई को यीशु के नाम में इस भवन से वापस लेकर के जाने पाए प्रभु। प्रभु जी आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका कलीसिया का इतिहास और बाइबल इस बात को स्पष्ट रीति से बताती है प्रभु, जब आपके दास, आपके पासवान, आपके विश्वासी जब बंदी गृह में थे तो उनकी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी प्रभु, और जब कलीसिया ने प्रार्थना करी आपने उसकी प्रार्थना का उत्तर अद्भुत आश्चर्य कर्मों में दिया प्रभु जी। आज की सुबह प्रभु जी हम सारे पासवानों को जो इस समय बंदी गृहों में बंद हैं प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए, विश्वासियों के लिए जो बंद है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस प्रकार पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में बंद थे प्रभु, आपने वहां की नींव हिला दी प्रभु, ताकि हर कोई ये जानने पाए कि आप परमेश्वर हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन कारागारों में आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करके दिखाइए, अपने दासों के द्वारा उनके साथ जो कहती है उनसे वो बात करें, उनके जीवन भी बदल जाने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हमारी प्रार्थना जल्द से जल्द ये पास विश्वासी वहां से रिहा होकर वापस अपने परिवारों के पास आए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए प्रभु, जैसे हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, होने दे हम इस बात को समझते हुए बैठे कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच मौजूद है। आदर और महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में विनती को मांगते हैं, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। संडे हालेलुया। How many of you are happy this morning to be in the house of the Lord? और आप में से कितने परमेश्वर के भवन में आकर आनंदित हैं? हाँ तो टक, okay, check, okay. I'm not speaking in Hindi. The reason is that the message may reach to you very clearly. और मैं हिंदी में इसलिए नहीं बोल रहा या प्रचार नहीं कर रहा ताकि संदेश स्पष्ट रीति से आपके पास पहुँचे। Check. I'm humbled and honored to be here this morning. और आज की सुबह यहाँ आकर मैं खुद को बड़ा आदर, ये मेरे लिए आदर और सौभाग्य का समय है। This in the first service also I said the same thing, but again I would like to share this. This pulpit is very sacred. और पहली सभा में भी मैंने इस बात को कहा था कि ये वेदी बड़ी पवित्र है। Because since many decades. The counsel of God is preached with fear, and the word of God was prophesied from this place. क्योंकि कई दशक से, कई सालों से लगातार परमेश्वर के वचन को, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, और कई भविष्यवाणियों को इस वेदी से बोला गया। There were healings and miracles. और चिन्ह और चमत्कार यहाँ हुए हैं। And to stand on this pulpit is a privilege. I consider it a privilege. और इसलिए इस वेदी पर खड़े होकर प्रचार करना मैं अपने आप के लिए सौभाग्य की बात है। I thank our leader, pioneer and senior pastor. For this opportunity. और हमारे वरिष्ठ पासवान और जो हमारे Assemblies of God में अगवे भी हैं, हमारे पिता भी हैं, और जिन्होंने सेवा को यहाँ शुरू किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। And pastor has been a blessing to the entire movement of AGI. और Assemblies of God India या पूरा Assemblies of भारत के लिए पास्टर, हमारे वरिष्ठ पासवान एक आशीष का कारण है। And we as a next generation we learn from their life. और उनके जीवन से एक नई जो हम पीढ़ी हैं हम सीखते हैं। Hallelujah. And also I would like to thank Pastor Sammy for this opportunity. और पास्टर, they have invested in our life. और पास्टर सैमी के इस मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस मौके को उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने भी हमारे जीवन में समय दिया है। This morning I said that it was exactly 9 years before
Pastor was in Jamnagar for a youth camp. और आज से लगभग एकदम 9 साल पहले वो जामनगर में एक youth camp के लिए आए थे. And we were blessed. There were 300 youth gathered in that place, and Pastor was there to minister. और वहाँ पर लगभग 300 जवान इकट्ठा हुए थे उस youth camp के लिए, और Pastor साहब वहाँ मौजूद थे सेवा करने के लिए. And also want to thank my dear friend and brother, Pastor Mahinder. और मेरे लिए भी आप धन्यवाद करेंगे. Okay, it's been 10 years I know him. और पिछले 10 सालों से हम दोनों दोस्त हैं. And very passionate. और बहुत जुनून रखते हैं सेवा के लिए. And so many ideas he brings out. और कई सारे विचारों को मैं उनको संग बांटता हूँ. And he's a great blessing to the Asian youth movement. और जो उत्तर भारत Assemblies of God का जो युवाओं का विभाग है, सेवा है, उसके लिए आप और हम सब मिलकर एक आशीष का कारण है. And also I would like to acknowledge the AGNI leadership, Pastor Ivan. So I bring greetings from him also. और AGNI के जो हमारे एग्जीक्यूटिव जनरल चेयरमैन हैं या सुपरिटेंडेंट हैं पास्टर आइवन पवार, उनकी ओर से भी मैं अभिनंदन को लेकर आता हूँ. And also my senior pastor, Pastor Sam Maloney. और मेरे वरिष्ठ पासवान जो गुजरात में हैं, जो रेवरेंड सैम मलोनी हैं, उनकी ओर से भी. And also my wife, my and my kids. और मेरे पत्नी और मेरे बच्चे भी. Hallelujah. 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 Turn to left and right and say that the Lord will speak to you this morning. और अपने दाएं और बाएं मुड़ करके बोलिए, आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात करेगा. जो लोग नहीं बोलेंगे मैं आके आपको बोलूंगा फिर. Okay. Thank you. We all have asked this question, how long? और हम सब ने इस सवाल को पूछा है, और कितने समय तक? You know, how long this sickness? और कितने समय तक ये बीमारी और रहेगी? How long I need to suffer? और कितने और समय तक मुझे कष्ट उठाना होगा? How long this financial crisis? और कितने और समय तक ये आर्थिक तंगी रहेगी? How long there will be difficulties in relationship? और कितने और समय तक रिश्तों में ये दूरियां और परेशानियां रहेंगी? How long I'll see the loss in my business? और कितने समय लंबे समय तक मैं इस जो लॉस आ रहा है मेरे व्यवसाय में उसको देखूंगा? How long my children will be away? और कितने लंबे समय तक अब मेरे बच्चे मुझसे दूर रहेंगे? How long I will be struggling with my thought? और कितने लंबे समय तक मैं अपने विचारों के संग लड़ता रहूंगा? How long this sorrow will last in my heart? और ये दुख कब तक मेरे दिल में बना रहेगा? How long I need to wait to see a breakthrough or a change? और कितने समय तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि मैं एक बदलाव को या एक छुटकारे को देखने पाऊं? चर्च, वी ऑल हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. और कलीसिया, हम सब ने कभी ना कभी सवाल को पूछा है. मे बी यंग पीपल, हाउ लॉन्ग आई नीड टू वेट फॉर माय मैरिज. और कई सारे जवान ये सवाल भी पूछते हैं, कितने समय तक मुझे शादी के लिए इंतजार करना होगा? मे बी मैरिड पीपल, यू हैव नो चिल्ड्रन बट यू आर वेटिंग, यू आर आस्किंग हाउ लॉन्ग आई नीड टू वेट टू रिसीव माय ब्लेसिंग. और हो सकता है कुछ शादीशुदा लोग हैं जिनको बच्चे नहीं हैं, और वो ये सवाल पूछते हैं, परमेश्वर कितने समय तक मुझे और इंतजार करना पड़ेगा? Maybe you want a promotion but it's not happening and you are asking how long I need to wait for this promotion. और हो सकता है आपको एक पदोन्नति की आवश्यकता है, और आप सवाल पूछ रहे, प्रभु ये उन्नति कब मिलेगा? How long I need to wait? How long? प्रभु कितने और समय तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा? This question is not a new question. और ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है. In the Bible also the psalmist asked the same question, How long, O Lord? क्योंकि बाइबल में भी, पवित्र बाइबल में भी भजन लिखने वाले ने भी इसी सवाल को पूछा कि प्रभु और कितने समय तक? When we read Psalms 13:1-6, he says four times he asks, How long? How long? How long and how long? और जब हम भजन संहिता उसके 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर चार बार भजन लिखने वाला ये पूछता है कि और कितना और कितना और कितना और कितना समय? This morning the Lord wants to encourage each one of you and me who are asking this question, how long, O Lord? And the Lord wants to answer to that question. और आज की सुबह परमेश्वर आप और मुझसे बात करना चाहता है जो ये सवाल पूछ रहे हैं, और कितने समय तक परमेश्वर? Some of you are discouraged for because of waiting. और आप में से कई निराश हो गए हैं क्योंकि आप कई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. There is no clarity. There is no. You are not able to see or discern what next. और आप कोई स्पष्टता बची ही नहीं, और आप इस बात को जांच और परख नहीं पा रहे कि आगे अब और क्या होगा. This is not a new question. As I said, the psalmist had this question and even we have this question. और जैसा मैंने कहा, ये कोई नया सवाल नहीं है. भजन लिखने वाले ने भी यही सवाल पूछा. But this psalm gives us beautiful things. How? What an
need to do in those question, how long? और लेकिन एक अद्भुत उत्तर और अद्भुत तरीके से ये भजन बात करता है कि उस समय में जब मैं ये सवाल पूछता हूँ हमें कैसी प्रक्रिया रखनी है? We all have been praying, how long we need to see this pain in our nation? और हम सब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कब तक इस दर्द को इस पीड़ा को हम अपने देश में देखेंगे? How long this closed door, oh Lord? और प्रभु कितने समय तक ये दरवाजा बंद रहेगा? How long this closed hearts, people hearts are closed? और प्रभु कितने समय तक लोगों के हृदय बंद रहेंगे? How long, oh Lord, I'll be seeing this pain? और प्रभु कितने समय तक मैं इस दर्द को देखता रहूंगा? But this psalm gives us four keys to overcome our hopelessness and pain. लेकिन ये भजन हमें चार मुख्य बातों को बताता है कि हम अपनी निराशा से आशा को पाएं और इन बातों से बाहर निकलें। Many times when we are discouraged, hopeless, we stop praying, we stop coming to the church, we stop reading the word, we stop seeking the Lord, we stop fasting and seeking the Lord. कई बार जब हम निराश हो जाते हैं, अप्रोत्साहित हो जाते हैं, हम परमेश्वर का मुख निहारना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं। That is not what we need to do. और ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। Yes, there are. We are waiting. और हाँ, हम इंतजार तो करते हैं। Yes, we are waiting for miracles. We are waiting for open doors. We are waiting for a breakthrough. हम चिन्हों का इंतजार करते हैं, चमत्कारों का इंतजार करते हैं। But what we need to during those time? लेकिन उन समय में हमें क्या करना है? There's those four keys I would like to bring this morning. और चार कुंजियों को मैं आपकी आज की सुबह आपको देना चाहता हूँ. We'll read in the 13th chapter and 1-6. और 13वां भजन में उसके 1-6 तक हम पढ़ते हैं. When we read that, how long, Lord, will you forget me forever? क्या हे परमेश्वर कब तक, क्या तू मुझे सदैव के लिए मुझे भूल जाएगा? How long you'll hide your face from me? कब तू कब तक अपना मुख मुझसे छिपाए रखेगा? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? और मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा और दिन में दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूंगा? How long will my enemy triumph over me? और कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? You know, many times we say this, the bad people are prospering, but the righteous people are not prospering the way those unrighteous people are moving forward. कई बार हमारा सवाल या प्रक्रिया ये होती है कि प्रभु जो दुष्ट हैं वो तो बढ़ रहे हैं, वो समृद्ध हो रहे हैं, धनवान हो रहे हैं, लेकिन जो धर्मी हैं वो तो इसका विपरीत उसके साथ हो रहा है। You know, the enemies, they live longer, but somebody who is good, they die quickly. और जो शत्रु है वो लंबा जीता है, लेकिन जो धर्मी है वो कम उम्र जीता है। We all have discussed in our houses. हमने अपने घरों में इन बातों को किया है। Husband and wife have discussed, this fellow who is so bad, he is so good, he is living such a luxurious life. कई बार पति पत्नी ने भी ये बात किया होगा कि ये व्यक्ति जो इतना दुष्ट है, इतने लंबे जीवन को, सुखी जीवन को, समृद्ध जीवन को कैसे बिता रहा है? But I am going to the church, I am giving my tithe, I am fasting, I am praying, I am doing everything, but still, why, Lord? और फिर भी हमारे अंदर ये सवाल है कि प्रभु मैं तो अपना दशवांश देता हूँ, कलीसिया जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, उपवास रखता हूं, तो मेरे साथ क्यों? How long, O Lord? प्रभु कब तक? That verse, you know, he says, How long will my enemy triumph over me? और वो वचन में इस प्रकार लिखा है कि कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? Some of you have this question. और कई बार आपके पास भी यही सवाल है। You will get an answer this morning. और आज की सुबह मेरा विश्वास है आपको उत्तर मिलेगा। Turn to left and right, say, How long? और अपने दाएं और मुड़कर कहें कब तक? थोड़ा कुछ हम we will sit in the house of God with good smile. और हम परमेश्वर के भवन में बैठे हैं इसलिए कि अच्छी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर हो. Hallelujah. Hallelujah. Turn to left and right and say smile please. और दाएं और बाएं मुड़कर कहें उनसे कहिए कृपया कर मुस्कुराइए. हाँ, आप हम हंसते तो बहुत सुंदर लगते हैं ना. It's good. We need to smile because this is the house of the Lord. हम परमेश्वर के भवन में हैं इसलिए हम मुस्कुराएं, अच्छे आनंदित होकर बैठे. Hallelujah. Hallelujah. There is no other place like the presence of the Lord. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. You know, we go for all sightseeing, this and that, and different country, and say, "Wow!" But there is no presence, no place like the presence of God. और हम दूसरे देशों में जाकर कई बार चीजों को देखते हैं, पहाड़ों को देखकर बड़े खुश हो जाते, लेकिन याद रखिए परमेश्वर की उपस्थिति जिस स्थान में है उस स्थान जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. आजू बाजू मुड़ के बोलो खुश हो जाओ, आज खुश हो जाओ.
वेरी गुड पास्टर महेंद्र, अच्छा शब्द, इट इज नाइस, खुश हो जाओ. हालेलुया. सो व्हाट वी नीड टू डू, हाउ लॉन्ग इन दोस क्वेश्चंस ऑफ हाउ लॉन्ग, और उस समय जब हम इस सवाल को पूछते हैं तो हमें क्या करना है. यू नो द फर्स्ट थिंग व्हाट साइमिस डज, और जो पहली बात जो भजन लिखने वाला करता है, लुक ऑन मी एंड आंसर, और मेरी ओर देख और उत्तर दे. लॉर्ड माय गॉड गिव लाइट टू माय आईज, और प्रभु मेरे आंखों को ज्योति दे. और आई विल स्लीप इन डेथ एंड माय एनिमी विल से, नहीं तो मैं मृत्यु की नींद मुझे आ जाएगी और मेरा शत्रु कहेगा, आई हैव ओवरकम हिम, मैं उस पर प्रबल हो गया. द नंबर वन थिंग, फर्स्ट थिंग, पहली बात, इन द सिचुएशन व्हेन देयर इज होपलेसनेस एंड पेन, ऐसी परिस्थिति में जहां निराशा और पीड़ा है, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू द की इज कीप प्रेइंग, जो उसकी पहली कुंजी है वो ये है, निरंतर प्रार्थना करते रहिए. टर्न टू लेफ्ट एंड राइट एंड से कीप प्रेइंग, और दाएं और बाएं मुड़कर कहें प्रार्थना करते रहो. Give a high five and say keep praying. High five, pastor. Give a high five and say keep praying. और high five देकर कहिए प्रार्थना करते रहो. जो नहीं दे रहे उनको चीटी काटो. Okay. We need to pray when we go through the hopeless situation. और जब हम निराशाओं से होकर के निकलते हैं तो निरंतर प्रार्थना करते रहना है. But many times we give up praying. लेकिन कई बार हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं. The moment we stop praying, enemy will take over our life. और जिस समय हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, शत्रु हमारे जीवन पर कब्जा ले लेगा. He will take control over our thoughts. हमारे विचारों पर अपना कब्जा ले लेगा. But church, this morning we need to rise up. लेकिन कलीसिया, आज की सुबह हमें उठ खड़े होना है. No matter what you are going through, no matter what kind of hopeless situation you are going through, the Lord says, rise up and seek my face. और पर ये मायने नहीं रखता कैसी परिस्थिति से, कैसी निराशा से होकर के आप निकलते हैं. परमेश्वर कह रहा है उठ खड़े हो और प्रार्थना कर. You know, we need to seek. That is the key. There is no shortcut. और याद रखिए, कोई छोटा रास्ता नहीं है, हमें प्रार्थना ही करना पड़ेगा. No matter how much the situation is getting worse and worse. और ये मायने नहीं रखता चाहे परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना होती जाए. We as a church need to rise up to pray and seek the face of God like never before. हमें कलीसिया होते हुए उठ खड़े होना है कि हम परमेश्वर के मुख को निहारे और निरंतर प्रार्थना करते रहें. In that painful situation, psalmist says, look on me and answer. और उस एक पीड़ा की परिस्थिति में भजन लिखने वाला कहता है परमेश्वर मेरी ओर देख और मुझे उत्तर दे. In your difficult situation and pain, you and I need to seek and call the name of Jesus. और हमारी पीड़ा और हमारे दुख और निराशाओं में हमें परमेश्वर के मुख को निहारना है ताकि वो हम पर देखे. Don't stop praying. प्रार्थना करना मत छोड़िए. Go into that closet and seek the Lord. और उस स्थान पे जाइए और प्रार्थना करिए. Go all alone, lock the door and say, Lord, I need your intervention. I need your touch, O Lord. और उस कमरे में जाकर दरवाजा बंद करिए, प्रार्थना करिए, कहें प्रभु मुझे आपके हाथ के चलन को, आपकी उपस्थिति को देखना है. We all learn from our leaders. हम अपने अगुओं से सीखते हैं. We learn from our pastor. हम अपने पासवानों से सीखते हैं. When there was a difficulty, there was nobody, but God was there. And when we call on the name of the Lord intervened and He did miracles. और जब कोई नहीं था और मेरी मदद करने के लिए, तब मैंने परमेश्वर के मुख को निहारा और परमेश्वर अचानक से स्वर्ग से नीचे उतर आया और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उत्तर दिया. Hallelujah. Hallelujah. Keep praying. Don't give. Don't stop praying. और प्रार्थना करते रहिए, निरंतर प्रार्थना मत रोकिए. You know, prayer is not just 5 minutes. और याद रखिए, प्रार्थना 5 मिनट के लिए नहीं होता. But it's a relationship with the living God. लेकिन ये एक जीवित परमेश्वर के संग एक रिश्ता है. I want to challenge every young people. We need to be called as a generation that seeks God and not a generation that is behind all the gadgets and the technology. Hallelujah. और मैं जितने जवान हैं उनको चुनौती देता हूँ कि हम एक ऐसी पीढ़ी के रूप में जाने जाएं जो परमेश्वर के भूखे और परमेश्वर को निहारते हैं, ना कि एक ऐसी पीढ़ी जो आधुनिक सुख सुविधाओं की ओर भागती है. Hallelujah. Hallelujah. We need to be people passionate to pray. और हमें ऐसे लोग होना है जो प्रार्थना करने के लिए जनूनी बने. Hallelujah. Hallelujah. You know, this generation we are called as a Google generation. You know, parents call it मोबाइल के पीछे ही पड़ा रहता है. और इस पीढ़ी को गूगल का पीढ़ी कहते हैं क्योंकि सबके पास मोबाइल है और गूगल में ही सब कुछ है. पेरेंट्स आर टायर्ड. और जो माँ बाप है वो बिल्कुल हार मान चुके हैं, बोल बोल के थक गए है ना. बट वी वॉन्ट टू बी कॉल्ड एज अ जनरेशन दैट इज हंग्री फॉर गॉड. हालेलुया.
और हम एक ऐसी पीढ़ी के नाम से जाना जाना चाहते हैं जो परमेश्वर के लिए भूखी हो. हालेलुया हालेलुया. नॉट जस्ट नेक्स्ट जनरेशन बट एवरीबॉडी आई वांट टू एनकरेज. और ना केवल जवानों को लेकिन हर एक को मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा. व्हेन वी फेस डिफिकल्टीज व्हेन वी फेस पेन वी नीड टू continue seeking the Lord in prayer. और जब हम पीड़ा से दर्द से निराशाओं से निकलते हैं तो हमें निरंतर प्रार्थना करनी है. maybe you might have stopped praying. और हो सकता है आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया. But this is the time to restart. लेकिन ये वो समय आप दोबारा चालू कर दें. Hallelujah. Hallelujah. We need to restart, seek the face of God. और हमें तुरंत दोबारा चालू कर परमेश्वर के मुख को निहारना. You know, our leader's life, you know, it inspires us to seek God and go all out. After God. और जब हम अगुओं के जीवन को देखते हैं तो वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम पूरे रीति से परमेश्वर के पीछे हों. No matter what kind of job we are doing. और ये मायने नहीं रखता क्या काम हम करते हैं. We need to seek the Lord. हमें परमेश्वर के मुख को निहारना है. No, we cannot say I am busy. और हम ये नहीं कह सकते मैं व्यस्त हूँ. No, the time for the Lord, as Pastor was mourning, he was saying, instructing few youth, we should never stop praying. और जिस प्रकार से पासवान सुबह प्रार्थना भी कर रहे थे कुछ जवानों के लिए जो लखनऊ से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, कि प्रार्थना करना मत छोड़ना. Hallelujah. Hallelujah. No, we are not busy actually. हम व्यस्त नहीं है. We don't know how to manage the time. लेकिन हमारी सच्चाई है हमको समय नहीं चलाना आता. Hallelujah. Hallelujah. No matter you can be housewife, you can be anybody, you are working for a big company, no problem, but the Lord wants your presence. The Lord wants to speak to us. The Lord wants to touch us. और ये मायने नहीं रखता कि आप घर में काम करने वाले कोई गृहिणी या किसी जगह व्यवसाय करने वाले या किसी कार्यालय में काम करने के लिए बैठे हो, लेकिन परमेश्वर तो चाहता है कि हम उसके संग समय बिताएं. Hallelujah. Hallelujah. Turn to left and right and say, "Don't stop praying, but start praying." और अपने दाएं और बाएं मुड़कर बोले, प्रार्थना करना रोको मत, लेकिन प्रार्थना करना शुरू करो. That is the first key for a believer, for a church of Jesus Christ. और ये वो पहली कुंजी है एक मसीह, एक विश्वासी, एक कलीसिया के लिए जो यीशु मसीह की है. Hallelujah. Hallelujah. And the second key is. और जो दूसरी कुंजी है. It says, "But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation." लेकिन प्रभु मैंने तेरी ओर ध्यान देकर तुझे मैंने तेरी ओर देखा और तूने मैंने तेरे उद्धार में अपने आनंद को मनाया है. Keep trusting, it says in verse 5. But I trust in your unfailing love. और लेकिन तेरे ना आज सफल ना होने वाले प्रेम पर अपने भरोसे को रखा है. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say keep trusting. और ये हर कोई बोले भरोसा बनाए रखो. Left turn to left and right and say keep trusting. और दाएं और बाएं मुड़ करके बोलिए भरोसा रखो. Hallelujah. Hallelujah. In times of hopelessness. और उन आशाहीन समयों में. In pain. और दर्द में. Now one of the most difficult thing is to trust. वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम भरोसा करने पाएं. But we people, we trust everybody. लेकिन हम लोग सब पर भरोसा कर we लेते trust हैं. The train, engine, driver. हम ट्रेन का जो इंजन ड्राइवर है उस पर भरोसा करते हैं. We trust doctors. हम डॉक्टर्स पे भरोसा कर लेते we हैं. Trust our engineers who built the house. और उन इंजीनियर्स पे भी विश्वास करते हैं जो घर को निर्माण करते हैं. That it will not fall in the night when I will be sleeping. और रात में गिरेगी नहीं छत जब मैं सो रहा हूँ. We snore nicely, we sleep. और अच्छे से सोते हैं खराटे लेकर. But trusting God sometimes becomes difficult. लेकिन परमेश्वर पर कई बार भरोसा करना मुश्किल हो जाता है. But this morning I want to challenge every one of us. लेकिन आज की सुबह हम में से हर एक को मैं चुनौती देना चाहता हूं. When we go through that hopelessness, when we have that question, how long we should not give up trusting God, but we need to keep trusting God. और इसलिए जब हम उन आशाहीन और निराशाओं से समयों से निकलते हैं तब परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़िए मत, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए. There is no other way than trusting God. और क्योंकि और कोई मार्ग या तरीका है ही नहीं सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करने के अलावा. Trusting God will change things. परमेश्वर पर भरोसा करना बातों को बदल देगा. Trusting God will carry us and will help us. God will help us. और परमेश्वर पर भरोसे करने से परमेश्वर हमें लेकर चलाएगा और हमारी सहायता करेगा. Hallelujah. Hallelujah. We need to trust God with all our heart. और अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है. Hallelujah. Hallelujah. We trust for everyone, but we don't trust God. हम सब पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर पर नहीं. We trust people, but the people
those people only will betray us. और हम लोगों पर भरोसा रखते हैं लेकिन वही लोग हमें धोखा देंगे. But God will never betray us. लेकिन याद रखिए परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा. He will never leave us. वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं. He all he wants us to trust him. और वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें. He will never do wrong. क्योंकि वो कभी गलत नहीं करेगा. Hallelujah. Hallelujah. He knows my end from the beginning. वो मेरे अंत को शुरुआत से जानने वाला परमेश्वर. He knows my tomorrow. वो मेरे कल को जानने वाला परमेश्वर. He knows what is going to happen next month. और वो जानता है अगले महीने क्या होगा. And it is good to trust God. और ये अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें. Who knows my everything. जो मेरी हर एक बात को जानता है. But trusting someone who doesn't know anything will cause many problems. और लेकिन किसी एक ऐसे पर भरोसा रखना जो कुछ नहीं जानता कई समस्याओं को लाएगा. But trusting God will open doors. लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने से दरवाजे खुलेंगे. Trusting God will impossible things will happen. और परमेश्वर पर भरोसा रखने से असंभव बातें संभव होंगी. Lift your hands and say, I will continue to trust God. अब हाथों को उठाकर आप कहिए मैं निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा. No matter what you are going through, how long you are asking, God wants us to know this. He wants us to जितने ये मायने नहीं रखता कितने लंबे समय से आप उस परिस्थिति से होकर निकलते हैं लेकिन परमेश्वर तो ये चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें. You know, some of us, our children, then they have not got a good college admission. बच्चों को अच्छे में एडमिशन ना. Maybe the marriage proposals are not moving forward. अरे हो सकता है शादी के जो रिश्ते हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे. But this morning keep trusting. लेकिन आज की सुबह परमेश्वर पर भरोसा रखिए. Because he is able to do more than I think or ask or imagine. क्योंकि उन सारी बातों को जो आप सोचते सुनते या देख सकते हैं उनसे कहीं बढ़कर परमेश्वर करने के योग्य है. How long? कब तक? The third thing, what the third key? और जो तीसरी कुंजी है. Verse 5. और पांचवें वचन में. The second part, my heart rejoices in your salvation. मेरा हृदय तेरे उद्धार में मगन रहेगा. Hallelujah. Hallelujah. The third thing is keep rejoicing. और जो तीसरी बात है आनंदित रहिए. First thing is what? पहली बात है निरंतर प्रार्थना करते रहिए. Everybody say keep praying. हर कोई बोले प्रार्थना करते रहिए. Second thing is keep trusting. और दूसरी बात है भरोसा रखिए. And third thing is keep rejoicing. और तीसरी बात है निरंतर आनंद रखिए. Rejoice in your salvation. अपने उद्धार में आनंद मनाइए. Rejoicing in God's deliverance and salvation. और परमेश्वर के उद्धार और छुटकारे में आनंदित हो जाइए. Being joyful for the deliverance or that we have already received. और उस उद्धार के लिए हम आनंदित हो जाए जो हमें मिल चुका है. Hallelujah. Hallelujah. What we don't have, there is no need for us to be worried about. जो हमारे पास नहीं है उसके लिए चिंता मत करिए. Because we have already got the salvation in Jesus. क्योंकि यीशु में उद्धार या मोक्ष आपको मिल चुका है. We need to rejoice. हमें आनंदित हो जाना है. You know the joy of the Lord is my strength. क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर का आनंद मेरी शक्ति है. But the devil wants to steal that joy. लेकिन इसीलिए शैतान उस आनंद को छीनना चाहता है. He will tell everything and anything. और वो हर एक बात को आपसे बोलेगा. But we need to tell that the Lord has given me salvation and I will rejoice in the Lord. लेकिन हमें शैतान को बताना है कि परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है और मैं उस उद्धार में आनंदित हो जाऊंगा. Hallelujah. Hallelujah. As a believer in Christ, it's important for us to rejoice in the salvation that he has already given to you and me. और एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी होते हुए उस उद्धार में आनंदित होना हम सब के लिए जरूरी है जो उसने आपको और मुझे दिया है. Because that is the strength of our life. क्योंकि वही हमारे जीवन का बल है. We saw the skit. हमने उस अभी यहाँ पर एक स्किट नाटक को भी देखा. You know, our names are already written in the Lamb's Book of Life. हमारे जो जीवन की पुस्तक है हम सबके नाम वहाँ लिख दिए गए हैं. Yes, we need to work out our salvation. हमें अपने उद्धार के लिए काम करना है. But we need to also rejoice in the Lord what he has already given to you and me. लेकिन उस बात पर भी हमें आनंदित हो जाना है जो उसने हमें और आपको दे दी है. You know, my life and my friend's life are look same, similar. और कई बार मेरे दोस्तों का जीवन और मेरा जीवन एक जैसा दिखता है. You know, when there is pain, he is also painful, I am also painful. और जब कोई दर्द आता है पीड़ा आती तो वो भी वैसे ही व्यवहार रखता है मैं भी वैसे ही प्रक्रिया रखता हूं. Many times we forget that we are chosen generation. The Lord has already given us a salvation. We are washed by the blood of Jesus. We are a new creation in Christ Jesus. We forget our new identity in Christ. कई बार हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी नई पहचान को भूल जाते हैं कि हम एक चुना हुआ वंश है प्रभु यीशु मसीह में और हमें परमेश्वर ने चुना है.
We behave the same way. The one who is in the world, he behaves. Who doesn't know Jesus? और हम उसी तरीके से व्यवहार या स्वभाव रखते हैं जैसे एक सांसारिक मनुष्य रखता है. But we need to rejoice. लेकिन हमें आनंदित हो जाना है. Come on, tell that nothing can steal my joy. और अपने आसपास पड़ोसी से बोलिए मेरा आनंद कोई चुरा नहीं सकता. Hallelujah. Hallelujah. You know, today there is a teaching. When we follow Jesus, everything will come. You know, everything. Dollars will follow us. Car will follow us. But Bible doesn't say that way. और आज के दिनों में ऐसी शिक्षा है कि जो यीशु के पीछे चलो और बाकी बातें तुम्हारे पीछे चलेंगी. पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, मकान आएगा. That is not the truth. लेकिन ये सत्य नहीं है. You know, that is not the Bible teaches. When we follow Christ, we need to carry the cross. क्योंकि ये बाइबल के आधार पर आई नहीं, क्योंकि बाइबल की शिक्षा और सिद्धांत तो ये है जब यीशु के पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठा करके चलो. Whether I have joy or job or no job. चाहे नौकरी हो या ना हो. Now I have own house or rented house. चाहे मेरे पास अपना घर हो या का घर. Whether I have my business or I have to work for somebody. चाहे मेरे पास अपना व्यवसाय हो या किसी के लिए नौकरी करना पड़े. The joy will be same. Hallelujah. वो आनंद एक जैसा बना रहेगा. Clap your hands and give the Lord a praise. Hallelujah. परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं. The joy will be there always. वो आनंद हमेशा बना रहेगा. Don't fall. Let's not fall into this kind of teachings. और इस प्रकार की शिक्षाओं के जाल में आप मत फंसिए. We have to confess before God and keep telling Lord whatever it is. I want to be rejoiced. I want to be joyful, O Lord. और चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के सम्मुख इस बात का अंगीकार करना है, प्रभु मैं आनंदित रहूंगा. Many times we lose joy, you know. Because we expect something, but something else the Lord gives us. क्यों कई बार हम अपने आनंद को खो देते हैं क्योंकि हमें किसी बात की आश लगाए होते हैं लेकिन परमेश्वर कुछ और दे देता है. But nothing should shake me. Hallelujah. लेकिन कोई भी बात हमारे आनंद को हिला लेना पाए. You know the Habakkuk's prayer is so powerful. और हबाकुक नबी की जो प्रार्थना है वो बहुत अद्भुत प्रार्थना है. खेत में फल आए या नहीं आए भाई फिर I will be rejoicing in the Lord. और तीसरा अध्याय 17वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार कहता है, चाहे खेत खलियानों में फसल हो या ना हो, चाहे अंजीर के वृक्ष पर फल हो या ना हो, मैं फिर भी यहोवा का धन्यवाद करूंगा. Come on, clap your hands and say, we want to be that people. Hallelujah. और कहिए प्रभु मुझे भी ऐसा ही एक इंसान बना दीजिए. Hallelujah. We need to rejoice in the Lord. हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है. You know, Paul says, rejoice in the Lord always. और पौलुस कहता है कि परमेश्वर में आनंदित हो जाओ. You know, the scholar always, you might have heard this, what I'm saying, he writes from the prison. और जब आप इसको पता होना चाहिए कि पौलुस जब उस पत्री को लिख रहा है तो वो कारागार में बंद है. You know, it's very difficult to say that be happy when there is no 100 rupees also in the pocket. क्योंकि ये तब कहना आनंदित हो जाओ बड़ा मुश्किल है जब खुद के पास 100 रुपए भी जेब में ना हो. But we need to grow. That's what the Bible is telling us. लेकिन इसी रीति से तो बाइबल हमें सिखाता है कि हमें बढ़ना है. Hallelujah. Hallelujah. No matter what I want, but I'm not getting, but I still rejoice in the Lord because nothing of the world, nothing can dictate my joy. Hallelujah. Hallelujah. ये मायने नहीं रखता कि वो बातें मुझे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन मेरा आनंद जो परमेश्वर में है वो कोई भी बात हिलाने ना पाए. हालेलुया. हालेलुया. टर्न टू लेफ्ट एंड राइट एंड से दैट स्माइल. और अब दाएं बाएं मुड़कर कहिए मुस्कुराइए. ओके. Rejoice. We should start from this, the house of the Lord. और ये आनंद मनाना हमें परमेश्वर के भवन से शुरू कर देना चाहिए. Hallelujah. 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 The joy is not connected outside. You know, it's not that. That is inside of me. और वो जो हमारा आनंद है वो किसी बाहरी बातों से नहीं आता, लेकिन वो हमारे हृदय में मौजूद है. Hallelujah. Hallelujah. Already received. वो हमेशा हमें मिल चुका है. Already received. हमें मिल चुका है. Nothing can shake me because the Lord has already given me that. Joy. और अब मुझे कोई हिला नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने वो आनंद मुझे दे दिया. What is first thing? What we need to do? वो पहली How बात हमें क्या करना है? First key is? और पहली कुंजी है? Overflow. Everybody at the top. Okay, and the second thing? प्रार्थना करते रहिए. दूसरी कुंजी? Keep trusting. भरोसा रखिए. Third thing? तीसरी कुंजी? आनंदित रहिए. And the fourth thing is? और जो चौथी कुंजी है? In the sixth verse, it says, "I will sing the Lord's praise, for He has been good to me." छठे वचन में वो कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि वो मेरी भलाई की, वो क्योंकि उसने मेरी भलाई की है. Hallelujah! Hallelujah! The psalm started with so much of pain.
और उस भजन की शुरुआत बड़े दर्द के साथ हुई. But the end is something different. लेकिन उसका अंत कुछ अलग है. Your end will be different. आपका अंत कुछ अलग होगा. There will be a new season. एक नया मौसम होगा. You will see breakthrough. और आप छुटकारे को देखेंगे. Hallelujah. Hallelujah. If we continue to pray, if we continue to rejoice, if we continue to trust God. अगर आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, निरंतर भरोसा रखेंगे, निरंतर आनंदित हो जाएंगे और निरंतर उसकी स्तुति करेंगे. You and I will say the Lord has been good to me. आप और मैं बड़े अच्छे और हियाव के संग कहेंगे परमेश्वर मेरे लिए भला ठहरा. Don't give up my brother, my sister. मेरे भाइयों और बहनों हार मत मानिए. No matter how situation can get worse. अब ये मायने नहीं रखता परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए. We will see the goodness of the Lord. हम परमेश्वर की भलाई और करुणा को देखेंगे. In this land, hallelujah. Hallelujah. In my city, hallelujah. अपने घर में, अपने शहर में मैं देखूंगा. In my family, hallelujah. अपने परिवार में मैं देखूंगा. In our nation, hallelujah. हमारे देश में हम देखेंगे. Come on, clap your hands and say thank you, Jesus. और हाथाली बजा कर कहें प्रभु यीशु का धन्यवाद. Hallelujah. You know, one of the verse, I love this version of Bible. और ये वचन एक है जो मुझे ये अनुवाद बाइबल का उसमें पसंद है. I'll read it in Hindi, in English. मैं अंग्रेजी में इसे पढ़ूंगा. The last 13:6. और 13 का छठा. I have thrown myself headlong into your arms. I have thrown my head myself. Just read. Message translation. Okay. मैंने अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दिया है. I'm celebrating your rescue. और मैं तेरे बचाव को का आनंद मनाता हूँ. This I like. What I want to say is, I'm singing at the top of my lungs. और मैं अपने फेफड़ों के सबसे ऊंचे स्तर पर तेरे गीतों को गाता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. सिर्फ चर्च में आवाज ऊंचा नहीं रहना, घर में भी रहना है. Hallelujah. सिर्फ कलीसिया में नहीं, घर में भी ऊंची आवाज में गाना है. Even in a workplace. और आपके जो कार्यस्थल है. Hallelujah. Hallelujah. We want to sing unto the Lord at the top of our lungs. और हम परमेश्वर के लिए अपनी सबसे ऊंची आवाज में हमें गाना है. आजू बाजू मुड़ के बोलो ऊंची आवाज से ना फेफड़ा खोल something is there. और वो लंग्स अपने फेफड़ों को जो फुलाकर पूरी ताकत से आजू बाजू मुड़ के बोलिए जो भी आप समझा बोलिए आजू बाजू में. कम ऑन, मुझे मत देखिए, आजू बाजू व्यक्ति को देखिए, अगल बगल में जो लोग उनसे कहिए ऊंची आवाज में पूरे परमेश्वर का स्तुति करना है. हालेलुया. हालेलुया. नाउ व्हेन समबडी वी आर कॉलिंग ही इज देयर फार अवे. अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुला रहे जो दूर खड़ा हो, कैसे बोलेंगे आप? चिल्ला के है ना, कैसे चिल्लाएंगे? जोर से, इतना जोर चिल्लाएंगे कि वो मुड़ के देखे. हाँ भाई. Hallelujah. We need to raise our praise unto God. हमें अपनी स्तुति और प्रशंसा को परमेश्वर के लिए उठाना है. Because that is the key for that how long question. क्योंकि वही वो कुंजी है उस सवाल के लिए जो पूछता है कब तक. Let's start praising God. परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दीजिए. Like never before. और ये कभी समाप्त ना हो. Hallelujah. Hallelujah. You know, in the house of the righteous, what is heard? और धर्मी के घर में क्या सुनाई देता है? बर्तन की आवाज. या हालेलुया. आई टेल टू माय चर्च पीपल. मैं अपनी कलीसिया के लोगों से कहता हूं, वी शुड प्ले म्यूजिक, यू नो, वर्शिप गॉड. हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, उन गीतों को बजाइए. यू नो द एटमॉस्फेयर ऑफ अ हाउस शुड बी फिल्ड ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. और जो हमारे घर का वातावरण है वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाना चाहिए. नॉट द ब्रेकिंग न्यूज ऑफ आज तक. और आज तक के ब्रेकिंग न्यूज से नहीं. यू नो सम पीपल हैव दिस प्रैक्टिस मॉर्निंग वी वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. और कई लोगों के अंदर एक ये काम होता हो कि सुबह सबसे पहले उठकर न्यूज चैनल खोल देंगे. नो व्हाट्स हैपेंड, यू नो what is happening, we want to know. But what I say, I see is, when we start our day, we start rejoicing in the Lord, praising the Lord, and the house is full of glory of God. Hallelujah! लेकिन मेरा ये मानना है जब हम दिन की शुरुआत करें सुबह सुबह परमेश्वर के गीत, उसके स्तुति, उसकी प्रशंसा हमारे घर के वातावरण को भरे हुए हो. Hallelujah! Hallelujah! Even this I tell to my church. और मैं अपनी कलीसिया को भी यही कहता हूँ. You know, we buy many things. हम कई सारी चीजों को खरीदते हैं. But we have now these days so many Bluetooth. That everything is available now. और हर चीज का जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं. Now you can sit anywhere and you can play music. और आप किसी भी स्थान पर बैठकर गीत संगीत बजा सकते हैं. That's what our house should be full of. You know, we need to invest in this thing so that we can continue worshiping God, playing music unto the Lord. और इसलिए अपने घर में भी हम इस बात पर हमें पैसा खर्च करना है कि हम निरंतर उसकी आराधना और स्तुति को करने पर. Hallelujah. Hallelujah. We need to be a generation that praises God. हमें एक ऐसी पीढ़ी
भी बनना है जो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करती When the glory of God comes down, और जब परमेश्वर की महिमा नीचे उतर आएगी, things changes, sir. तब बातें बदलना शुरू हो जाएंगी. He dwells in the midst of the praise of his people. क्योंकि वो अपने लोगों की स्तुति के बीच में मौजूद होता है. Hallelujah. Hallelujah. So keep praising unto Jesus. और इसलिए यीशु की स्तुति करते रहिए. You keep declaring who is he. और इस बात की घोषणा करते रहिए कि आपके जीवन में वो कौन है. Hallelujah. Hallelujah. Turn to left and right and say keep keep praising the Lord. दाएं और बाएं मुड़कर कहिए प्रभु की स्तुति करते रहिए. Hallelujah. Hallelujah. If you are driving to your office, play some worship song. और जब घर अपने घर से काम के लिए निकलते हैं आराधना के गीतों को लगा दीजिए. Hallelujah. 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 We need to fall in love with Jesus. हमें यीशु के संग प्रेम में रहना है. You know when we love somebody. और जब किसी से प्रेम रखते हैं. No, especially the married people. और खास रीति से विवाहित जोड़े. Maybe the initial golden days we call golden years. जो शुरुआती साल होते हैं उन्हें हम स्वर्ण साल कहते हैं golden years. And we talk we just keep thinking driving also we smile without any reasons. और जो गाड़ी चलाते समय भी हम एक दूसरे को देखकर हंसते रहते हैं. We are remembering somebody. हम किसी और को याद कर रहे हैं. Who is that? She or wife or husband? और चाहे वो पति हो या पत्नी हो. You know because we have fallen in love. क्योंकि हम एक दूसरे के संग प्रेम में हैं. Not just initial days, we have to continue that. सिर्फ शुरुआती दिनों में नहीं, लेकिन उसको अंत तक जारी रखना है. But what I'm trying to say is, when we love somebody, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम अगर किसी से प्रेम रखते हैं, we want them to be around us all the time. हम चाहते हैं कि वो हर समय हमारे नजदीक रहे. Church, we need to love Jesus. हमें कलीसिया यीशु से प्रेम रखना है. More and more. और ज़्यादा और ज़्यादा. We want His presence all the time with us. और हम चाहते हैं उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे. And His presence is promised to us. और उसकी उपस्थिति का वादा उसने किया है. Only one thing, we need to continue to connect with Him, be connected in through praise. सिर्फ एक ही चीज़, प्रार्थना और स्तुति के द्वारा उसके संग जुड़े रहना. Hallelujah. Hallelujah. What is the first key? पहली कुंजी क्या है? Quickly, keep praying. Everybody say, keep praying. हर कोई बोले प्रार्थना करते रहें. Second, दूसरी कुंजी. भरोसा, भरोसा रखें. तीसरा, तीसरी कुंजी. आनंदित रहें. And fourth, स्तुति करते रहें. स्तुति करते रहें. Hallelujah. 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 Maybe you this year you might have started painful year. You started with pain. और हो सकता है इस साल की शुरुआत आपने बड़े दर्द के संग करी. Let's believe when even you, as we are in the eighth month, God can change things. और जब हम आठवें महीने में ये विश्वास करें परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकता है. Hallelujah. 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 We don't want to speak problem. और हम समस्याओं को नहीं देखना चाहते. But we want to lift the name of Jesus. लेकिन हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं. Sometimes we lift so much of problem. कई बार हम अपनी समस्याओं को इतना ऊंचा उठा देते हैं. We forget who we are. हम ये भूल जाते हैं हम कौन हैं. But we are the children of God. हम लेकिन परमेश्वर के बच्चे हैं. Washed by the blood of Jesus. और यीशु के लहू से धुले गए हैं. No matter how, whatever comes. और ये मायने नहीं रखता कुछ भी क्यों ना आ जाए. I will lift the name of Jesus. मैं यीशु के नाम को ऊंचा उठाऊंगा. Come on, church. I lift the name of Jesus. यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे. There is no pain or no sickness that is above the name of Jesus. और याद रखिए कोई पीड़ा कोई बीमारी यीशु के नाम के ऊपर नहीं है. No matter there is no persecution above the name of Jesus. और याद रखिए कोई दर्द या पीड़ा या सता उसके नाम के ऊपर नहीं. The name of Jesus is above all names. और यार याद रखिए वो नाम यीशु नाम सारे नामों के ऊपर नाम है. Come on, clap your hands and thank the name of Jesus. और आइए यीशु के नाम का धन्यवाद करिए. The name of Jesus. यीशु का नाम. The name of Jesus. यीशु का नाम. The name of Jesus. यीशु का नाम. His name is above all names. उसका नाम सारे नामों His में ऊंचा है. His name is above all the pain. और उस सारे दर्दों के ऊपर ऊंचा है. His name is above all the sickness. सारी बीमारियों के ऊपर ऊंचा है. His name is above all the accusations. और याद रखिए सारे उन दोषों के ऊपर उसका नाम ऊंचा है. Come on, clap your hands and praise the name of Jesus. और ताली बजाकर यीशु के नाम की स्तुति करें. Clap your hands and praise the name of Jesus. यीशु के नाम की स्तुति करें. Oh, hallelujah. 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 Riborobo shekada la bakara baraba. Rikalaga duraba la gadira bahantara gadaraba. Everybody clap your hands and stand to your feet. आइए हम सब ताली बजाते हुए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. Let's stand and say thank you Jesus. और खड़े होते हुए कहें प्रभु आपका धन्यवाद. I will keep praying. मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा. I'll keep trusting. निरंतर भरोसा करूंगा. I'll keep rejoicing. निरंतर I'll keep praising. और निरंतर स्तुति करूंगा. Come on, ताली बजाएं सभी लोग आंखों को बंद कीजिए. आंखों को बंद करें. Come on, pray. Hallelujah.
The devil is a liar. क्योंकि शैतान तो झूठा है. But our God is a God who cares for us. लेकिन हमारा परमेश्वर तो चिंता करने वाला परमेश्वर. रिबाला बराबा, रिखा दोरबो, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए. Pray in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करिए. रिबाला बराबो, शदाला बलगला बला बराबा. Receive the fresh touch of God. परमेश्वर के सोतोरो कोतोरो. अभिषेक को लीजिए. रिखा लगा दुरबा लगा दीना बला हंदा लगा दीरबो शकरा बला बला बा. अच्छा थाली बजा के बोलिए, लॉर्ड I want to go back with a new strength, oh God. अब ताली बजाते हुए प्रभु से कहिए, प्रभु एक नई शक्ति के संग में जाऊंगा. Lord, I want to go back with a fresh anointing. और एक नए अभिषेक के साथ जाऊंगा. रबो खोलो बोरो बोलो बोरो बो. Come out of your pain. Come out of your questions. Come out of your discouragement this morning. अपनी निराशाओं से, अपने दर्द से, अपनी पीड़ाओं से बाहर निकल आइए. ओ रबा रबो शकदा रबा रगा दीरे बा. The Lord will be good to me. और परमेश्वर मेरे लिए भला ठहरा. अच्छा ताली बजा के बोलिए, Oh, the Lord will be good to me. परमेश्वर मेरे लिए भला. Hallelujah. जैसे भजन लिखने वाला कहता है, यहोवा मेरे लिए भला है. For He has been good to me. और वो मेरे लिए भला ठहरा है. My starting may be pain. और हो सकता है शुरुआत दर्द से हो. But my ending will be joyful. लेकिन मेरा अंत आनंदित होगा. Come on, clap your hands and believe this morning. इस बात पर विश्वास करिए आज की सुबह. हालेलुया. रिका लगा दुरा बा लगा दिरा बा लगा. अच्छा ताली बजा के प्रार्थना कीजिए. आवाज को उठा के सोतो रोको लो बरो 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 बरो. रिका लगा दरा बा लगा बा लगा बरो बरो शदा ला बा लगा बा. रिका लगा दुरा बा लगा दीना महान तेरा गला बा. ओ रिखा बा 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 शिखेरे बे 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 शंदरो बोरी खरा बा. हालेलुया हालेलुया. आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. हालेलुया. हो सकता है हम भी किसी दर्द से होकर के निकल रहे हैं. हो सकता है कोई परिस्थिति है जहां हमें परमेश्वर से सुनने की जरूरत है. प्रार्थना करें, प्रभु आज की सुबह मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं भरोसा रखना नहीं छोड़ूंगा, आनंदित निरंतर आनंदित रहूंगा, निरंतर स्तुति करूंगा. हालेलुया. और रिखा बाबा बा शंदरबो रिखा रबा. क्योंकि हमारा छुटकारा हमारी आराधना में है, हमारी स्तुति में है, हमारी प्रशंसा में है. हालेलुया. और रिखा बाबा बा शिखे रे बे 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 शंदरबो रिखा रबा. और रिल्लाबा शिखे रे बे 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 शिखा रबा बाबा बा शंदरबो रिखा रबा. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रभु जी आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए. जिस प्रकार आपके बाइबल उस पवित्र वचन में लिखा है, वो वचन देधारी हुआ और हमने उसकी महिमा को देखा. हालेलुया. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह आपके जीवित वचन ने हमसे बात किया है. प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके लोग हम में से कई दुखों से, निराशाओं से, पीड़ाओं से होकर के निकल रहे हैं. प्रभु होने दे हम उन दुखों के ऊपर आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करने वाले बन जाएं. जिस प्रकार हबाकुक कहता है, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं फिर भी यहोवा का धन्यवाद करूंगा. उन्हें प्रभु हर परिस्थिति में हम आपके नाम की स्तुति करें, आनंदित हो जाएं, भरोसा रखें और निरंतर प्रभु जी प्रार्थना करते रहें. प्रभु जी आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आप ही को देते हैं यीशु के नाम में. इस समय हम अपने देश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं. आप जैसे कि जानते हैं परसों के दिन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और लोग इस बात की खुशी मनाएंगे कि गोरी चमड़े से हमारी छुटकारा मिल चुकी है. लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आज भी हमारे देश के लोग, हमारा पूरा देश बंधन में है. आज के दिन भी हमारे देश के लोग या फिर हमारा देश बीमार है. हमारे देश को चंगाई की ज़रूरत है. हमारे देश में कुछ ऐसे आग जल रहे हैं जिन्हें बुझाए जाने की आवश्यकता है और ये हमारे देश के नेता बहुत प्रयास करेंगे लेकिन उनके प्रयास का कोई भी रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि उनसे ये काम नहीं हो पाएगा. इसमें केवल एक दैवीय
केवल परमेश्वर इसमें कुछ कार्य कर सकता है, केवल परमेश्वर उन आगों को बुझा सकता है, केवल यहोवा परमेश्वर है जो हमारे देश में चंगाई ला सकता है। इस ओर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जबकि हमारे चर्च के बच्चे और जवान इस गीत को गाने जा रहे हैं, ये गीत एक प्रार्थना है और मैं चाहता हूं कि इस प्रार्थना में आप जुड़ें। आप जब गीत गाया जा रहा है तो आप वहां से खड़े खड़े गीत के बोल के अनुसार आप प्रार्थना करिए हमारे देश के लिए, और फिर उसके बाद हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा कि 6 जवान भाई सामने आए, मेरी मदद करें किसी एक चीज के लिए, जल्दी से। राहुल, व्हाई डोंट यू कम, कम हेल्प अस। उज्जवल, प्लीज कम। सनी कुमार, कम। एलेक्स, ऑलराइट। ये 3 झंडे यहां रखे हैं, मैं चाहता हूं 2-2 लोग एक झंडे को ले, 2 लोग ऊपर बालकनी में जाए, एक यहां सामने खड़े हो और एक वहां बालकनी के नीचे मिक्सर टेबल के पास में जाए। अभिषेक, आप दोनों, एलेक्स, आप लोग ऊपर जा सकते हैं। यस, होल्ड इट, कम इन द सेंटर। इस प्रार्थना को करिए जबकि गीत गाया जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। Please come in the center and face that side. छोड़ेगा
क्यों है रुका तेरे गीतों की कहाँ है आवाज तेरे गीतों की कहाँ है आवाज क्यों नफरती करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आपके आगे जो झंडा है उस झंडे की ओर आप अपने हाथ को बढ़ाओ। यदि आप झंडे के पास में हैं आप आके छुओ झंडे को। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये झंडा एक प्रतीक है। ये झंडा हमारे देश की आजादी की प्रतीक है। ये झंडा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रतीक है और इस प्रतीक नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी है तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने दाहिने हाथ को इस झंडे की ओर बढ़ाइए। वेस महेंद्र पास महेंद्र आइए। सियाना माइक 24 Thank you, Jesus. Just lift up your hand towards this flag representing our India and all that India stands for. Thank you, Lord. आइए हम अपने हाथों को इस झंडे की ओर उठाएं, दर्शाते हुए कि पूरे भारतवर्ष जो हमारा राष्ट्र है,
Thank you, children, for singing that prayer. You did a wonderful job. You really prayed and stirred up our hearts. You are the King of Kings and Lord of Lords, O Lord God Almighty. हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा हैं. The Creator of heavens and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर. The thousand hills and the cattle thereof, and all the gold and silver and every precious diamonds, everything belongs to you. और वो सारी हजारों चोटियां, वो सोना, वो चांदी, वो बहुमूल्य पत्थर, सब कुछ तो आप ही का है. Heaven is your throne and earth is your footstool. और प्रभु, वो स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है. And we as human beings are the creatures of your footstool. और प्रभु, हम जो मानव हैं, आपकी उस पृथ्वी पर जो चौकी है, आपकी सृष्टि है. We bow before you this. और प्रभु, आज की सुबह हम आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं. You all honor and glory and praise and worship for you alone are worthy. और सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति और प्रशंसा आप ही को देते हैं, सिर्फ आप ही इसके योग्य हैं. And India belongs to you. और भारत आपका है प्रभु. The whole earth and all its fullness all belong to you. वो पूरी पृथ्वी अपनी पूरी परिपूर्णता में आपकी है. And it is your desire to save India. और ये आपकी इच्छा है कि आप भारत को बचाएं. Heal India. प्रभु, हमारे राष्ट्र को चंगा करिए. And bless India. हमारे देश को आशीषित करिए. We are standing here on behalf of our nation. और प्रभु, हम अपने राष्ट्र के को दर्शाते हुए यहाँ पर खड़े हैं. At present our nation is sick. और प्रभु, अभी वर्तमान में हमारा राष्ट्र बीमार है. Our nation needs healing. और हमारे राष्ट्र को चंगाई की आवश्यकता है. Physical healing. शारीरिक रूप से चंगाई. Mental healing. और भावनात्मक रूप से चंगाई. Emotional healing. और प्रभु, मानसिक रूप से चंगाई. And above all, spiritual healing. और सबसे बढ़कर आत्मिक चंगाई प्रभु. And we want sight in our eyes. और प्रभु, हम आँखों से देखना चाहते हैं. And you alone can heal our spiritual blindness. और सिर्फ आप ही हमारी आत्मिक अंधेपन को चंगा कर सकते हैं. You have promised. आपने ये वादा किया है that we as your people कि हम जो आपके लोग हैं, humble ourselves जब हम अपने आप को दीन करेंगे and pray और प्रार्थना करेंगे and come to you with repentance और मन फिराकर आपके नजदीक आएंगे प्रभु and give up our evil ways और अपने बुरे तौर तरीकों से हार मानेंगे. You have promised that you will hear from heaven. तब आपने ये वादा किया है, आप स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे. And bless our land. और हमारी भूमि को आशीषित करेंगे. And heal our land. और हमारे राष्ट्र को आशीषित करेंगे, चंगा करेंगे. With all humility, we bow before you. पूरी दीनता के साथ हम आपके सम्मुख झुकते हैं. There are these physical sicknesses that are going on. और प्रभु जी, शारीरिक रोग हैं जो चल रहे हैं. You are the healer. आप चंगा करने वाले हैं. And when you heal only, then we will be healed. और जब आप चंगा करते हैं, तभी हम चंगा हो सकते हैं प्रभु. Then there are moral sickness. और फिर उसके बाद और सारी बीमारियां. There's all kinds of evil afflicting. और हर प्रकार की बुराई हमारे देश को जो बीमार किए हुए हैं. We seek your face. और इसलिए हम आपके मुख को निहार. We need that deliverance that comes only from you. और हमें उस छुटकारे की आवश्यकता है जो सिर्फ आपसे आता है. And we thank you. धन्यवाद प्रभु. That it is not your delight to see the death of any wicked. क्योंकि ये आप खुशी या आनंदित नहीं होते कि आप किसी जब दुष्ट की मृत्यु में. So Lord, we pray. और इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं. As our children have prayed. जैसे हमारे बच्चों ने ये प्रार्थना किया. Through that song. उस गीत के द्वारा. We call on your name. हम आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु. And you stretch out your hand, oh Lord. प्रभु, आप अपने हाथ को बढ़ाइए. And bless our nation with your healing. और अपनी चंगाई से हमारे राष्ट्र को चंगा करिए. And once again, we shall enjoy that true freedom. और प्रभु, ताकि हम फिर से उस सच्चे आजादी का आनंद उठाने पाए. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. And we thank you for this assembly this morning. और आज की सुबह हम अपने इन सभी विश्वासियों को लिए धन्यवाद देते हैं. Together we call on your name. और एक साथ मिलकर हम आपके नाम को पुकारते हैं. Forgive us our sins. हमारे पापों को क्षमा करिए प्रभु. Cleanse us with your precious blood. अपने शुद्ध लहू से, बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध करिए.
That's who we will be worthy to come before your throne. और जिसके द्वारा हम आपके सामने आपके सिंहासन के सम्मुख आने के योग्य ठहरे. Thank you. धन्यवाद. I pray from the youngest to the oldest in this. सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं. And every family that is represented. और हर एक परिवार को जो यहां पर है. We thank you for speaking to us this morning. और आज की सुबह हमसे बात करने के लिए धन्यवाद. For the word of the Lord that has come to us. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आया. And may we continue to practice we have heard. उन्होंने उन बातों को जो हमने सुनी उनको अभ्यास में ला. Thank you for strengthening your servant to bring that message. और धन्यवाद कि आपने अपने दास को सशक्त बनाया कि आज की सुबह वो संदेश को लेकर आए. और जैसे हम इस स्थान से निकलते हैं, we will continue to be in your presence. हम निरंतर आपकी उपस्थिति में रहेंगे. Fill us all with your Holy Spirit. हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए. That we may walk in the spirit. ताकि हम आत्मा में चलने पाएं. And pray in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करें. And sing in the spirit. आत्मा में गाने पाएं. And speak to one another. और एक दूसरे से बात करने पाएं. With the praises of God. परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा. Thank you for healing touch upon your people. अपने लोगों को चंगा करने के लिए धन्यवाद. And as our nation is preparing to celebrate that Independence Day. और जैसे हमारा देश इस आजादी के दिन को मनाने की तैयारी करता है. I pray that a new spirit from heaven shall come and bless our nation. हम मेरी प्रार्थना है स्वर्ग से आपका आत्मा उतर कर हमारे राष्ट्र को आशीषित करे. We thank you for your presence. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु. All honor and glory and praise to you. सर आदर और महिमा आप ही को देते हैं. In Jesus name. यीशु के नाम में.